इंस्पायरिंग मुस्लिम, इन्होंने पूछा है शेख लड़की के लिए आलिमा बनना बेहतर है या डॉक्टर बनना, कौन सा बेस्ट है? देखिए, एक दुनिया है एक दीन है, और इसमें कोई शक नहीं कि दीन का इल्म हासिल करना ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि औरत को जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी ये है कि घर में बच्चों की अच्छी तरबियत करें, ये असली जिम्मेदारी उसकी है, शौहर की खिदमत और घर में बच्चों की सही तरबियत। और सही तरबियत उसी वक्त होगी जब दीन का इल्म मौजूद होगा, और माशरे की इस्लाह के लिए भी आलिमा की ज़रूरत है। जहाँ तक डॉक्टर की बात है तो हर जगह के एतबार से हम हुक्म में थोड़ा अलग कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक गांव के अंदर 20 आलिमा हैं, गांव के सारी चीज़ों को वो अच्छी तरीके से संभाल पाती है। अब वहाँ पे डॉक्टर कोई लेडी डॉक्टर नहीं, और औरतों को ज़रूरत पड़ती है कि मर्द डॉक्टरों के पास जाएँ, तो वहाँ पर शरई जो क़ुयूद हैं, जैसा कि अभी बयान किया गया था, कि उसका ख्याल रखते हुए अगर कोई शख्स अपनी बेटी को डॉक्टर बनाता है या कोई बेटी खुद बनना चाहती है तो उसके लिए इसमें अजर मौजूद है। तो वहाँ पे उसके लिए लोगों की इस यानी इस हालत में डॉक्टर बनना आलिमा बनने से बेहतर हो जाएगा, लेकिन बारह दिन का इल्म भी वो सीखे और ये भी सीखे, दोनों चीज़ें, यानी इतना कम अज़ कम इल्म होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों की तरबियत आसानी के साथ कर सके। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फीकुम। उम्मीद है जिससे को इसका भी जवाब मिल गया होगा।